में नारे लगाते हुए आका को लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे और मदीना वालों का नारा था या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। ये नारे लगाते हुए वो आका को लेकर मदीना की गलियों से गुजरते जा रहे थे। जुलूस भी है, जुलूस भी आका की आमद का है, आका खुद भी उसमें मौजूद है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन आका मदीना में पहुंचे वो दिन भी पीर का था। कौन सा दिन था? पीर का दिन था, जो आका की विलादत बासादत का दिन है। कोई इसे आका की आमद का जुलूस कह ले, कोई आका की विलादत का जुलूस कह ले, इनकार कोई भी नहीं किया जा सकता। तो पता चला कि कोई काम भी नया नहीं है। फिर जहनों में ये जो सवाल आता है कि क्या आका ने खुद भी कभी अपना मीलाद बनाया था, और चूंकि मीलाद आका के दौर में नहीं था तो लिहाजा मीलाद नाजायज हो गया, ये बिदत हो गई। राजा जंग वालों, ये बात तो मैं बाद में बताता हूं कि आका ने अपना मीलाद खुद बनाया या नहीं बनाया, मगर एक बात पहले गौर से समझ लें। अगर कोई शख्स ये बात कहे कि मीलाद नाजायज है इसलिए चूंकि आका के दौर में नहीं था, अम्मा बात فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قَابِلِ سَدِ احترام علمائے کرام मशाइख इज़ाम साहबजादगान मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की ये अज़ीमु शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद जुमला हाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसल्लुक से हमें आज की इस नहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई, और जिस उसने नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ो शौक़ के साथ आज की इस महफिल का अहतमाम किया गया, मैं इस पर इस मस्जिद की इंतज़ामिया के जुमला अराकीन को, अहालियान राजा चंद को और बिलखसूस तहरीक मिनहाजुल कुरान और उसके जुमला फोरम्स के जुमला अहदेदारान को, जिम्मेदारान को, रुफाका को और खसूसन बिलखसूस मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के जिम्मेदारान को, जिसमें हमारे मोहतरम काशिफ साहब जो कि सदर हैं MSN के, फिर उनकी पूरी की पूरी टीम, मिनहाज यूथ लीग की पूरी टीम, मोहतरम नोमान साहब, अब सब के नाम तो मेरे पास नहीं है, मैंने गुजारिश की थी कि मुझे उलामा के नाम भी लिख कर दे दें अपने ज़िम्मेदारान के, अभी उन्होंने कहा जी सबको इकट्ठा ही आप मुखातब कर दें। तो मैं हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से आज की इस महफिल के इंतज़ाम व इंसराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें एक मरतबा फिर अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का ये अजीम महीना आता, और फकत महीना ही अता नहीं फरमाया बल्कि इस माह मुबारक के अंदर फिर हमें अपने महबूब का मीलाद मनाने का भी शर्फ अदा किया। इस पर हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें मैं समझता हूँ कम है। आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के उनवान के तौर पर जो मैंने एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, मैंने आने से पहले मुंतज़मीन से मशवरा किया, उस मशवरे में उस वक्त तीन ही बंदे शरीक थे, मोहतरम काशिफ साहब और नोमान साहब, साथ इनके तीसरे एक और साथी भी थे जिनका नाम मेरे जहन से उतर गया है।
तो मैंने पूछा, अभी बताएं आपके राजा जंग के लोगों का ज़ौक कैसा है और आप किस मौजू पर खिताब सुनना पसंद करेंगे। एक तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे राजा जंग के लोगों का ज़ौक ये है कि ज़रा ऊंची आवाज़ से ये खिताब सुनते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे उतने ये ज़्यादा खुश होंगे। दूसरा उन्होंने कहा ये शेर व शायरी को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं दिल में सोच रहा था कि फिर आपने मुझे बुला के गलत फ़ैसला कर लिया है, ये दोनों चीज़ें मेरे यहाँ मौजूद नहीं हैं। खैर, तीसरी बात मैंने पूछी कि अच्छा मौजू क्या होना चाहिए, वो सुनकर मुझे खुशी हुई। वो कहते कि हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि हम मीलाद मनाते क्यों हैं, इस मौजू पर हम सुनना चाहते हैं। मैंने अप्रिशिएट किया, अभी अच्छा मौजू है और ज़रूरत भी है। सच्ची बात यह है कि फ़ी ज़माना जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अक्सर बेशतर इल्ला माशाल्लाह जो अच्छी महाफिल हैं वो हैं, मैं उनका इनकार नहीं करता, अच्छी गुफ्तगू करने वाले भी लोग होते हैं, इस्तिस्ना हर जगह मौजूद होता है, मगर अक्सर व बेशतर हमारी दीन के नाम पर सजने वाली महाफिल का हाल ये हो चुका है कि उसमें हम वक्ती तौर पर तफरीह तबा के लिए और इन्जॉय करने के लिए आते, ना आने वालों का कोई मकसद होता है और ना सुनाने वाले कोई सोच के आते हैं कि आज मैंने सुनने वालों को देना क्या है। लोग भी अक्सर ये देखने आते हैं कि चलें चलते हैं, देखेंगे मौलाना सब जोर कितना लगाते हैं, वो अपनी कुर्सी से उछलते कितना है, वो दूसरों को बुरा भला कितना कहते हैं, गालियाँ कितनी देते हैं, लतीफ़े कितने सुनाते हैं, चुटकुले कितने सुनाते हैं, बस ये शौक रह गया। और मैंने देखा है कि जो बंदा जितने लतीफ़े सुनाता है उसकी फ़ीस भी उतनी ज़्यादा है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, कोई मकसद की बात नहीं होगी, ऐसे चुटकुले छोड़े होते हैं और सोशल मीडिया यूट्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा देखने वाले उनके होते हैं लोग। और जो कोई संजीदा बात करता है, समझदारी की बात करता है, तरबियत की बात करता है, उसके सुनने और देखने वाले बहुत कम मिलेंगे। कि बदकिस्मती है कि हमारा शौक ऐसा बन गया। एक बात याद रख लें कि इल्म जोर जोर से बोलने का नाम नहीं है, इल्म सुर और लय का नाम भी नहीं है, इल्म इस चीज का नाम है कि आपकी गुफ्तगू सुनकर किसी का अकीदा समझे, किसी का अमल समझे। अगर सारी सारी रात की तकरीरें हों और बदले कोई ना, उस तकरीर का कोई फायदा नहीं। हमें आज सरे नौ अपनी इन महाफिल और मजालिस को मुनज्जम करने की जरूरत है, इनको नतीजा खेज बनाने की जरूरत है, इनको फ्रूटफुल बनाने की जरूरत है, ताकि इन महाफिल के अंदर हमारे बच्चे आए, हमारे नौजवान आए तो कुछ ना कुछ लेकर जाए। ये असल में हमारी तरबियती नशिस्तें होनी चाहिए, ये तरबियत गाहें बननी चाहिए। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी किसी दीन के नाम पर सजने वाली महफिल में आए तो कभी तमाशा ही बनकर नहीं आए, घर से बावजू होकर आया करें, अच्छे कपड़े पहनकर आया करें, सरों को ढांप कर आया करें और अल्लाह की बारगाह में एक दुआ करके आया करें कि मौला तेरे दीन के नाम पर सजने वाली महफिल में जा रहा हूँ, मेरे संवरने का कुछ सामान कर देना। जब आप सारे इस नीयत के साथ आएंगे तो हो सकता है आपके इखलास के सदके मौला कहने वाले को भी कोई अच्छी बात करने की तौफीक दे। तो जब इरादा ही कोई नहीं होगा तो मिलेगा क्या। ताहम मैं आज के इस मौजू पर अप्रिशिएट करता हूँ नौजवानों को, तलबा को, और ये आज के वक्त की ज़रूरत भी है। आप देखिए ना कि जैसे ही रबीउल अव्वल के महीने का आगाज होता है तो गलियाँ और बाजार सजना शुरू, हर तरफ लाइटिंग हो जाती है, झंडियाँ लग जाती हैं, घर घर महाफिल मीलाद शुरू हो जाती हैं, महाफिल दाद शुरू हो जाती हैं, मीलाद के जुलूस निकाले जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। और जैसे जैसे 12 रबीउल अव्वल का दिन करीब आता जाता है, ये सब खुशियाँ भी अपने जौबन और उरूज की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। और 12 रबीउल अव्वल के दिन के तो फिर क्या कहने, वो तो आशिकों के ईमान पर एक बहार का दिन।
और आज देखें कमोबेश को 2 हफ्ते मीलाद को गुजरे हुए हो गए हैं, 12 रबीउल अव्वल का दिन, मगर मीलाद की महाफिल फिर भी अपने जौबन और उरूज पर है। ये कई महीनों तक इसी तरह जारी और सारी रहेगी, और मीलाद तो सारा साल ही जारी रहता है। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, आका तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते। ये मीलाद सारा साल ही जारी रहता है, मगर हाजरीन मुकर्रम जहां अहले मोहब्बत ये सब कुछ करते हैं, वहां साथ ही साथ आज की नौजवान नस्ल के जहनों में बहुत सारे सवालात भी पैदा होते हैं। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे सवालात गर्दश कर रहे होते हैं, और नौजवान जानना चाहते हैं कि हम आका के मीलाद पाक पर इतनी खुशी क्यों करते हैं, इसका शरी जवाब क्या है, झंडियाँ क्यों लगाई जाती हैं, लाइटिंग क्यों की जाती है, इतनी कसरत के साथ महाफले मीलाद और महाफले नात क्यों होती हैं, मीलाद के जुलूस क्यों निकाले जाते हैं, मिठाइयाँ क्यों बांटी जाती हैं। फिर सोचते सोचते आगे चलते हैं कि क्या आका के दौर में भी कोई ऐसा मीलाद था, क्या सहाबा किराम भी मीलाद मनाया करते थे, क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कभी अपना मीलाद बनाया था। और फिर खुद ही एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि चूंकि मीलाद आका के दौर में नहीं था तो लिहाजा मीलाद नाजायज हो गया, ये बिदत बन गया। इसके अलावा एक और सवाल जो जहनों को बड़ा डिस्टर्ब करता है वो ये कि 12 रबीउल अव्वल का दिन अगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है तो उसी दिन आपका भी सारे मुबारक भी हुआ। कुछ लोग यूं भी सोचते हैं कि बड़ी अजीब बात है कि हम मीलाद पर खुशी तो कर लेते हैं तो क्या हमें विसाल पर गम नहीं, चलो अगर गम नहीं कर सकते तो विसाल मुबारक वाले दिन एक जश्न का समा बना लेना शायद ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। ये चंद एक वो बुनियादी सवाल आते हैं जो जहन के किसी न किसी कोने खुदरे में मौजूद जरूर है, और नौजवान इस पर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं कि ये सारा कुछ क्यों होता है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि बड़ा आसान करके ये मज़मून आपको समझाऊं, और आज का हमारा ये प्रोग्राम एक तरबियती नशिस्त बन जाए। और एक बात जहन नशीन कर दें कि मैं जो कुछ आज इस मौजू पर कहने वाला हूं, मेरी इस गुफ्तगू का मकसद हरगिज़ 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 किसी मीलाद ना मनाने वाले के इतराज़ात का जवाब देना नहीं है। जिसका जो अकीदा है वो उसे सलामत। हमारे कायदे ने तो एक ही बात समझाई है कि बेटे अपने अकीदे को कभी छोड़ना नहीं है और किसी दूसरे के अकीदे को कभी छेड़ना नहीं है। अगर इस फार्मूले पे अमल कर लेना तो बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाए। तो फिर अगर जहन में ख्याल आए कि इस मौजू पर मैं बात क्यों कर रहा हूं, बात इसलिए कर रहा हूं कि एक तो नौजवानों ने तकाजा किया और उनके तकाजे को सुनकर मैंने यज्ञ कर लिया कि इस मौजू पर बात होनी चाहिए, और इसलिए होनी चाहिए कि देखिए अगर हमारे बच्चे हमारे नौजवान जिनके वालिदैन जिनके आबाओ अजदाद कई कई नस्लों से आका का मीलाद मनाते चले आ रहे, अगर उन बच्चों के जहनों में मीलाद के हवाले से कोई शकूक व शुबहात की गर्द पैदा हो जाए तो मेरा ये फ़र्ज बनता है कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक्दस का झाड़ू बरदार बनकर उस गर्द को साफ करने की नौकरी अंजाम दूँ, ताकि हमारे बच्चे पूरी क्लैरिटी के साथ शरह सदर के साथ पूरे ईमान और यकीन के साथ आका का मीलाद मनाने के लिए तैयार हो सके। ये बुनियादी मकसद होगा मेरी गुफ्तगू का। आपने खिताब समझकर गुफ्तगू नहीं सुननी, आपने जो कुछ मैंने कहना है इसको याद करना है, और मैं चाहता हूं कि मेरी आज की गुफ्तगू के बाद इतना कुछ आपको याद हो जाए कि आज के बाद अगर आपका कोई दोस्त कोई आपका क्लास फेलो अगर इस मौजू पर सवाल करे मीलाद के हवाले से तो सवाल सुन के परेशान ना हो जाए, बल्कि वहीं खड़े खड़े उसको इतने दलाए दे दें कि आपका जवाब सुनकर फिर वो मीलाद पर सवाल करने वाला न रहे बल्कि वो खुद मीलाद मनाने वाला रहे। मैं इस तरह आप नौजवानों की आज तैयारी चाहता हूँ।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। सबसे पहला सवाल कि हम आका के मीलाद पाक पर खुशी क्यों करते हैं, इसका जवाब बड़ा सादा सा है कि हम आका के मीलाद पाक पर खुशी इसलिए करते हैं कि मीलाद पर खुशी करने का हुक्म खुद खुदा ने दिया है और अल्लाह के हुक्म पर अमल करना इबादत है। हम अल्लाह का हुक्म समझकर इबादत जानते हुए आका की आमद पर खुशियां करते हैं। जब आप इतनी बात करेंगे तो सवाल करने वाला अगली बात पूछ लेगा, वो कहेगा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इसकी कोई सनद, कोई दलील, अल्लाह ने कहाँ हुक्म दिया। अब ये याद रखने वाली बात है जो मैं बता रहा हूं। कुरान पाक की एक सूरत है सूरह यूनुस, कुरान पाक की 10वीं सूरत है और उसकी आयत का नंबर है 58। अब आयत को बड़ी तवज्जो से सुनना है, मैं आयत भी पढ़ रहा हूं और इसका तर्जमा भी कर रहा और उसके बाद मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछना है, जवाब वही दे पाएगा जो गौर से सुनेगा। बारी ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, कुल, ए मेरे महबूब जरा आप अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दीजिए, ऐलान कर दीजिए, बेफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि ये जो इन पर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी रहमत हुई है, फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू, पस इन्हें चाहिए कि इस पर खुशियां मनाया करें। और आगे फरमाया, हुवा खैरु मिम्मा यजमाऊ, और महबूब ये भी बता दो कि इनका ये खुशी करना हर उस अमल से बढ़कर है जो ये अपने लिए जमा करते हैं। मुमकिन है जब ये आयत करीमा आप पढ़ें तो अगर सवाल करने वाला कोई समझदार हो आदमी तो कुछ बईद नहीं वो अगला सवाल कर दे और वो आपसे पूछे कि आयत तो आपने इसलिए पढ़ी थी कि इस आयत के अंदर बारी ताला ने मीलाद पर खुशी करने का हुक्म दिया, तो आयत में मीलाद का तो जिक्र ही कहीं नहीं आया, क्या ख्याल है आया है जी? इख्तिलाफ हो गया है और बाकी चुप जो हैं उनका मुझे समझ नहीं आ रही वो किधर हैं, ना हाँ कह रहे हैं ना ना कह रहे हैं। चलें, चलो दो आवाज़ें आई हैं, एक आया है और एक नहीं आया। अगर आप मुझ पे एतमाद करें, आज मुझे मेहमान के तौर पर आपने बुलाया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप मान। एक तालिब इल्म होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि इस आयत करीमा के अंदर बारी ताला ने सराहत के साथ अपने महबूब के मीलाद का नाम कोई नहीं लिया, इसलिए धक्के से कहना कि जिक्र आया है ये ज्यादती है। अब आप पूछेंगे कि फिर मीलाद की खुशी साबित कैसे हुई, ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं, बात दलील से होनी चाहिए ताकि अगले को अपील करें। आप कहें भाई बजा है इस आयत करीमा में बारी ताला ने सराहत के साथ अपने महबूब के मीलाद का नाम कोई नहीं लिया, मगर एक बात हक है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि बारी ताला ने हुक्म ये दिया है कि भाई जिस शख्स को जब भी जहां भी जितना भी और जिस हाल में भी अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी रहमत मिले उसे चाहिए कि उस फ़ज़्ल और रहमत के मिलने पर खुशी करे। ये हुक्म तो है ना, इसका तो कोई इनकार, ये तो नस है कुरान पाक की, डायरेक्ट अल्फाज है। अब अल्लाह के फजल की भी करोड़ों शक्लें हैं और उसकी रहमत की भी करोड़ों शक्लें हैं, ये किसी एक शक्ल में बंद देखे ना, कोई बीमार था उसे सेहत मिल गई, उस पर अल्लाह का फजल भी हो गया, उसकी रहमत भी हो गई। को बे औलाद था, अल्लाह ने औलाद की नेमत दे दी, उस पर अल्लाह का फजल भी हो गया, उसकी रहमत भी हो गई। कोई बेरोजगार था, अच्छी नौकरी मिल गई, उस पर फजल भी हो गया, उसकी रहमत भी हो गई। कोई तालिब इलम था, अच्छे नंबर लेके पास हो गया, उस पर फजल भी हो गया, उसकी रहमत भी हो गई। और तलबा के एंजॉय करने के लिए बात कर रहा, कोरोना आ गया, इम्तिहान देना नहीं पड़े, मुफ्त में पास हो गए। अब पता नहीं इसको फजल रहमत कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि मौजे लग गई हैं लोगों की, जिसको देखो 1100 में से 1100 नंबर। ताहम मैं बता ये रहा था कि फजल और रहमत की करोड़ों शक्लें, ये किसी एक शक्ल में बंद
और राजा जान वालों याद रखो, इस कायनात के अंदर अल्लाह का सबसे बड़ा फर्ज वो खुद जात मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत वो भी वजूद मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि हक और सच बात तो ये है कि कायनात के अंदर जिस जिस को भी अल्लाह का फर्ज और उसकी रहमत मिलती है वो तो मिलती ही मुस्तफा के कदमों के सदके से। आम फजल और रहमत के मिलने पर अल्लाह ने खुशियां करने का हुक्म दिया है, तो वो हस्ती जो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल भी हो, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत भी हो, हर फजल और रहमत मिलता भी उन्हीं के कदमों के सदके से हो, तो क्या ख्याल है ऐसी हस्ती के मिलने पर खुशियां नहीं होनी चाहिए? वो तो आयत करीमा से साबित हो रहा है। एक बात, दूसरी बात सुन ले, कुरान पाक की एक एक आयत की कई कई तफसीरें होती हैं और किसी एक तफसीर की वजह से बाकी तफसीरें रद्द नहीं हो जाती। हर तफसीर का एक अपना मकाम होता है, अपना दर्जा होता है। इस आयत करीमा की मुफस्सिरीन ने एक तफसीर और भी की है और वो कहते हैं कि ये जो आयत है इससे पिछली आयत उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान का जिक्र किया और फरमाया क्या इंसानों, कुरान की शक्ल में तुम्हारे पास मौइज़त एक नसीहत आ गई। तो चूंकि पिछली आयत में कुरान का जिक्र है तो बारी ताला ने उसी मजमून को जारी रखते हुए अगली आयत करीमा में उसी कुरान को अपना फ़ज़्ल और अपनी रहमत करार दिया है। और हुक्म यह है कि महबूब इन्हें बता दो कि ये जो कुरान की शक्ल में इन पर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी रहमत हुई है, इन्हें चाहिए कि इस कुरान के मिलने पर खुशियां मनाया करें। यह एक तफसीर है। बास लोगों ने इसी माने को पकड़ा और शोर मचा दिया कि देखो इस आयत करीमा के अंदर तो कुरान के मिलने पर खुशी है, तो मिलाद पर खुशी करने का हुक्म कहां से साबित हो गया? मैं इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता, इसको भी एंटरटेन करना। हाजरीन मुकर्रम, अगर फजल और रहमत से मुराद अल्लाह का कुरान भी ले लिया जाए तो ये बात तय हो गई कि बारी ताला ने कुरान के मिलने पर खुशियां करने का हुक्म दिया। और आपको याद होना चाहिए जब रमजान मुबारक की 27वीं रात आती है लैलतुल कद्र, हर मस्जिद में एक बड़े से बड़ा प्रोग्राम होता, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम होता, और आप कई मसाजिद के बाहर देखें तो इश्तहारात जो लगे होते हैं ना उन पर लिखा होता है जश्न नुज़ूल कुरान। ये कभी पढ़ा, लिखा होता है ना, हम कुरान के मिलने पर जश्न मनाते हैं, खुशियां करते हैं। और वो जो जश्न मनाया जाता है उसकी बुनियाद और उसकी दलील भी कुरान पाक की यही आयत है, इसमें कोई शक नहीं। तो हाजरीन मुकर्रम, में बड़ी दिलचस्प बात आपसे करने वाला हूं कि देखिए वो कुरान जिस कुरान के मिलने पर हम जश्न करते हैं, खुशियां मनाते हैं, अल्लाह ने जश्न करने की इजाजत देती, तो कभी आपने सोचा कि उस कुरान की अपनी हकीकत क्या है? अगर ये सवाल अल्लाह की बारगाह में करें कि मौला जरा तू बताना कुरान क्या है, तो बारी ताला ने इसी कुरान के अंदर जवाब दिया और फरमाया इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम। फरमाया लोगों ये कुरान तो मेरे मुस्तफा की जुबान से निकली हुई एक बात है, ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है। हमारे आका की जुबानें अक्सर हिलती चली जाती, कुरान के वजूद का जहूर होता चला जाता। अगर जुबानें मुस्तफी ना हिलती तो कभी कुरान के वजूद का जहूर ना होता। तो कुरान है हमारे आका की जुबानें अक्सर से निकली हुई बात। अरे सोचो, जिस नबी की जुबान से निकली हुई अगर बात मिल जाए तो खुदा उस पर जश्न करने के हुक्म दे रहा है, तो भाई जिस उम्मत को वो बात वाला रसूल ही मिल जाए तो क्या उस रसूल के मिलने पर खुशियां नहीं होनी चाहिए? वो तो भाई उससे भी बढ़ के होनी चाहिए। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि उम्मुल मोमिनीन जरा बताएं हमारे आका के अखलाक कैसे थे? जवाब देती हैं काना खुलुकुहुल कुरान। ऐ पूछने वाले, क्या कुरान पढ़ के नहीं देखा?
ये सारे का सारा कुरान कमरी वाले आका की अदाओं का नाम है, ये आका के अखलाक का नाम है। तो कुरान कमरी वाले आका के अखलाक पर मुश्तमिल किताब का नाम है। जरा सोचो, अरे जिस नबी के अखलाक पर मुश्तमिल अगर किताब मिल जाए तो खुदा उस पर खुशियां करने के हुक्म दे, तो जिस उम्मत को वो अखलाक वाला रसूल ही मिल जाए क्या उस पर खुशियां नहीं होनी चाहिए? वो तो भाई पहले से भी बढ़कर होनी चाहिए। इस ज़ातिया निगाह से भी देखें तो इस आयत करीमा से आका की आमद पर खुशियां करना साबित हो रहा है। तीसरी बात, मुफस्सरीन के नजदीक ये एक तयशुदा उसूल है, खा वो किसी भी वक्त में फिक्र का कोई इमाम है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं इस बात पर। खुद मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताबों के अंदर इस उसूल को दर्ज किया, और वो उसूल ये है कि अगर कुरान पाक के अंदर किसी मकाम पर फज़ल और रहमत का जिक्र इकट्ठा आ जाए तो वहां फज़ल और रहमत का अर्जा तरीन माना, मुनासिब तरीन तफसीर और पहली मुराद खुद ज़ाते मुहम्मद मुस्तफा होगा, बाकी सब माने बाद में लिए जाएंगे। अगर इस उसूल के मुताबिक फज़ल और रहमत से मुराद आका की ज़ाते मुबारक ले ली जाए तो आयत का माना यह है कि बारी ताला फरमा रहे हैं, कुल महबूब जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो, बिफ़ज़लिल्लाही व बिरहमतिही, कि ये जो आपके वजूद मौजूद की शक्ल में, आपकी विलादत बासआदत की शक्ल में, आपकी आमद की शक्ल में इन पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत हुई है, बस इन्हें चाहिए कि आपकी आमद पर दिल खोल कर खुशियां मनाया करें। तो मैंने पहले सवाल का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि हम आका की आमद पर खुशियां इसलिए करते हैं कि आपकी आमद पर खुशियां करने का हुक्म खुद खुदा ने दिया है। याद रहेगी बात। दूसरी बात, अहम तरीन बात बता रहा, आगे बारी ताला ने जो हुक्म दिया है ना, वो हुक्म बड़ा खास है। फरमाया फल याफराहू, महबूब इन्हें चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर खुशियां मनाए। याफ़राहू का लफ्ज़ फरहत से निकला है और फरहत का माना होता है खुशी, तो अल्लाह ने खुशियां मनाने का हुक्म दिया। हालांकि आप कभी सोचें कि अल्लाह की ज़ात कोई अल्फाज की मोहताज नहीं है, बारी ताला चाहते तो फरमा देते फल या बोलू, इन्हें चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर मेरी इबादत किया करें। बारी ताला फरमा सकते थे फल या सजदू, इन्हें चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर शुक्राने के सजदे किया करें। बारी ताला चाहते तो फरमा देते फल युनफिकू, इन्हें चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर सदका व खैरात किया करें। अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया फल याफराहू, इन्हें चाहिए कि इस नेमत के मिलने पर दिल खोल कर खुशियां मनाया करें। बारी ताला इस खुशी करने का माना क्या है? बाकी काम नहीं होने चाहिए? वो जवाब देता है कि नहीं, किसी और काम से तुम्हें मना नहीं कर रहा, सब कुछ करो, मगर फल याफराहू का तकाजा ये है, ये कलिमात इस्तेमाल करके बताना ये चाहता हूं कि लोगों, मेरे मुस्तफा की विलादत का दिन आए, मेरा दिल ठंडा तब होगा कि उस दिन तुम्हारे दिल खुशी से फूले न समाए, हर तरफ खुशियां खुशियां हो जाए, मुरझाए हुए चेहरे भी खिल उठे, गमगीन चेहरों पर भी मुस्कुराहटें मचल जाएं, ये फल यफराहू का असल तकाजा बनता है। अहले इल्म लोग जलवा अफरोज हैं, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो मैंने वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्ला उलाली के कदमों में बैठकर सीखी है। मैं तफसील में तो नहीं जा रहा, मैं दकीक और टेक्निकल बातें नहीं कर रहा, ये जो बारी ताला ने यफराहू को हुक्म दिया है ना कि खुशियां मनाएं, अगर इस आयत करीमा पर गौर करें तो इस हुक्म से पहले पहले बारी ताला ने आयत के इतने हिस्से में 11 ताकीदात वारिद की हैं। कितनी ताकीदें हैं? 11 ताकीदें बनती हैं। अगर इनको कोई इन डिटेल जानना चाहे तो हुजूर शेखुल इस्लाम की एक किताब है मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमोबेश को 1000 सफात पर मुश्तमिल वो किताब है, उसमें एक बाब है जिसमें सिर्फ इसी आयत करीमा की शरह की गई,
14 सदियों में जो कुछ लिखा गया वो भी आपने जमा कर दिया, सब उम्महातुल कुतुब के रेफरेंसेस हवालाजात मौजूद हैं, और जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक जो निकात मजीद बयान किए वो भी सारे दर्ज कर दिए। उसमें वो 11 ताकीदें नंबर वाइज लिख दी हैं, ये ताकीद, ये ताकीद, ये ताकीद। अब देखिए, अल्लाह बगैर ताकीद के भी कोई हुक्म दे तो इनकार की गुंजाइश है? तो जे जाए कि वो कोई हुक्म 11 ताकीदात के साथ दे, इनकार की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। इस आयत को सामने रखते हुए और कुरान पाक के कई दीगर मकामात को सामने रखते हुए एक बात कह रहा हूं, ये जो कमरी वाले आका की आमद पर मुतलक खुशी करना है, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि मीलाद का जलसा करें, महफिल नात करें, मीलाद का जुलूस निकाला जाए, मिठाइयां बांटी जाएं, मैं किसी शक्ल की अभी बात नहीं कर रहा, मुतलक खुशी करना। उस दिन आपका दिल खुशी से फूला ना समा। देखे ना, जब किसी को कामयाबी मिलती है तो इंसान एक कल्बी फरहत महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। यह जो एक फितरी खुशी महसूस करना है, याद रखें, आका की आमद पर यह खुशी करना, यह महज कोई मुस्तहब अमल नहीं है, यह महज सुन्नत के दर्जे में नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं कि आका की आमद पर मुतलक खुश होना यह फर्ज और वाजिब का दर्जा रखता, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। बारी ताला फल यफरहू कहकर फरमा रहे हैं कि लोगों, मेरे मुस्तफा की विलादत का दिन आए, उस दिन तुम्हारे चेहरों पर 12 नहीं बजने चाहिए बल्कि दिल फरहत से झूम झूम उठे, दिल खुशी से बाग बाग हो जाए। ये फल यफरहू का असल तकाजा बनता है। अब जो मैं अगली बात कर रहा हूं वो बड़ी ही अहम तरीन बात है। ये जो अक्सर सवालात हमारे जहनों में आते हैं ना कि झंडियां क्यों लगाते हैं, लाइटिंग क्यों करते हैं, मीलाद के जलसे क्यों करते हैं, महाफिल नात क्यों होती हैं, मीलाद के जुलूस क्यों निकाले जाते हैं, मिठाइयाँ क्यों बांटी जाती हैं, ये क्यों वाले जितने सवाल हैं, अल्लाह ने इन सारे सवालों का जवाब इसी एक ही लफ्ज फल यफ़रहू के अंदर दे दिया। इसलिए नौजवान गौर से सुने, आपके सारे मसलों का हल एक ही लफ्ज में आने लगा। तवज्जो है आप सबकी मेरी बात की तरफ? देखिए, आयते करीमा पर गौर करें। बारी ताला ने फल यफ़रहू कहकर खुशी करने का हुक्म तो दिया, मगर आगे आप पूरी आयते करीमा को पढ़ लें, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशी करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं बताया कि खुशी करनी कैसे है। अगर बारी ताला को एक आध खुशी करने का तरीका भी बता देते तो हम सारे के सारे उसी एक तरीके से खुशी करने के पाबंद हो जाते, किसी को दाएं बाएं कुछ सोचने की जरूरत ना रहती। अल्लाह ने खुशियां करने का हुक्म तो दिया, मगर आगे खुशी करने का तरीका कोई नहीं बताया। आगे इस हुक्म को ओपन रखा, खुला रखा, इस हुक्म को महदूद नहीं किया, मुकय्यद नहीं किया, बल्कि ओपन रखकर बारी ताला ये समझाना चाह रहे हैं कि लोगों, तुम्हारे यहां, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे रस्म रिवाज के मुताबिक खुशी करने का जो जो भी जायज तरीका है, शर्त एक है कि वो तरीका नाजायज ना हो, वो हराम के जुमरे में ना आता हो, अल्लाह और उसके रसूल ने उस काम से मना ना किया हो। फरमाया, एक बात को मलहूज़े खातिर रखना, बाकी खुशी करने का जो भी जायज तरीका है तुम्हें हर उस तरीके से मेरे मुस्तफा के मीलाद पर खुशी करने की इजाजत है। अल्लाह ने कोई पाबंदी लगाई नहीं है, उसने हुक्म को ओपन रखा, खुला रखा। बस यूं समझे, वो यूं कहना चाह रहा है कि लोगों, जैसे तुम्हारा राजा राजी होता है वैसे ही कर लो, मगर मेरे मुस्तफा के मीलाद पर खुशियां जरूर करो। अगर मैं और इसको खोलूं तो इसका माना यह है कि बारी ताला फरमा रहे हैं, देखो मेरे मुस्तफा की विलादत का दिन आए, किसी का दिल नवाफिल पढ़ के खुश होता है तो भाई वो नफल पढ़ लिया कर, किसी का दिल सदका व खैरात करके खुश होता है तो भाई सदका व खैरात कर ले, किसी का दिल झंडियां लगा के खुश होता है तो भाई वो झंडियां लगा ले, किसी का दिल लाइटिंग करके खुश होता है तो भाई वो लाइटिंग कर ले, किसी का दिल मीलाद का जलसा करके खुश होता है तो भाई वो जलसा कर ले, किसी का दिल महफिल नात करके खुश होता है वो महफिल नात कर ले,
किसी का दिल मीलाद का जुलूस निकाल के खुश होता है, वो मीलाद का जुलूस निकाल ले। किसी का दिल मिठाइयां बांट के खुश होता है तो वही वो मिठाइयां बांट ले। तो अल्लाह ने कोई पाबंदी लगाई नहीं है, वो कहता है बाबा जैसे करना है कर लो, मगर मेरे मुस्तफा के मीलाद पर खुशियां जरूर करो। उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई। और रही सही कसर उसने आगे निकाल दी, आगे फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। महबूब ने यह भी बता दो कि इनका यह खुशी करना हर उस अमल से बढ़कर है जो ये अपने लिए जमा करते हैं। अब इंसान अपने लिए क्या जमा करता है? तोशाए आखिरत, आखिरत के लिए इंसान नेकियां जमा करता है, नेक अमाल इकट्ठे करता है ताकि कामयाबी मिल जाए। होगा कई लोग मिम्मा यजमाउन के कलिमात बता रहे हैं कि बारी ताला ऐलान कर रहे हैं कि लोगों दुनिया जहान की सब नेकियां एक तरफ, मगर मेरे मुस्तफा की आमद पर खुश होना ये सारी नेकियों पर भारी है। ये अमल कोई मामूली अमल, ये इतना ऊंचा अमल है। हमें अंदाजा नहीं है कि जब कोई आका की आमद पर खुशी करता है तो अल्लाह उस पर कितने कर्म के दरवाजे खोल देता है। मैं सिर्फ एक बात आपको बताता हूं इशारतन। देखिए, हर नेकी की कबूलियत के लिए शर्त है ईमान। ईमान होगा तो उस नेक अमल पर आखिरत में जजा मिलेगा, अजर मिलेगा। अगर ईमान नहीं है तो आखिरत में कोई अजर कोई जगह नहीं मिलेगी। मगर वाहिद कायनात के अंदर एक अमल ऐसा है और वो आका कियामत पर खुशी करना है कि ये अमल अगर कोई काफिर भी करे तो वो भी अजर से महरूम नहीं रहता, अल्लाह उसको भी अजर अता कर देता। नारे तकबीर। इस आयते करीमा पर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता, अगर इसी आयते करीमा पर मैं बात करता चला जाऊं तो कई घंटे गुजर जाएं, इसी आयते करीमा के निकात खत्म नहीं हो सकते। अगर कोई पढ़ने का शौक रखता है ना तो मैंने रेफरेंस दे दिया है, एक ही किताब बता रहा हूं, मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें पूरा बाब है जिसमें इसी आयते करीमा की शरह की गई। आप पढ़ेंगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अब मैं थोड़ा और आसान करके चंद बातें नौजवानों के लिए कहना चाह रहा हूं ताकि आसान करके इनको और तरीके से भी समझाऊं। मसलन ये तीन बड़े बड़े काम जो मैंने जिक्र किया, किसी के जहन में ख्याल आए कि झड़ियां क्यों लगाते हैं, लाइटिंग क्यों करते हैं, जुलूस क्यों निकालते हैं, मैं एक एक ईमान अफरोज बात इस पर बताता हूं। हम तो ये छोटी छोटी झड़ियां लगाते हैं ना, कोई कागज की झड़ियां लगा लेता है, कोई प्लास्टर की लगा लेता है, कोई कपड़े की झड़ियां लगा लेता है। राजा जंग वालों याद रखो, हमने झंडियां क्या लगानी हैं? झंडे तो वो थे जो आका के मीलाद की रात खुद गुलाने लगवाए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलवा कर तीन झंडे अदा किए, फरमाया जिब्रील ले जाओ, एक मशरक में लगा दो, दूसरा मगरब में लगा दो और तीसरा बैतुल्लाह की छत पर लगाओ जहां मेरे महबूब की आमद होने वाली। जरा सोचो वो झंडे जो खुदा ने लगवाए होंगे, जिब्रील ने लगाए होंगे, कितने बड़े बड़े झंडे। हम तो छोटे छोटे बल्ब लगाकर ये लाइटिंग करते हैं ना, हमने लाइटिंग क्या करनी है? खुदा की कसम, लाइटिंग तो वो थी जो आका के मीलाद की रात खुद खुदा ने कर रखी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला वो बयान करते हैं कि जिस रात मेरे पोते की विलादत हुई तो कहते हैं मैं अल्लाह के घर खाना काबा में था, रात का पिछला पहर था, कहते हैं तवाफ करते करते अचानक मेरी नज़र काबे पर जो पड़ी तो एक मंजर तो मैंने ये देखा कि उस वक्त काबा खुद मेरे घर की तरफ झुक रहा था। काबे ने भी सलामी देकर आका का इस्तकबाल किया। फिर कहते हैं कि अचानक मैंने अपनी नजर ऊपर जो उठाई तो उस वक्त आसमान के सितारे इतने नीचे आ गए थे, करीब आ गए थे कि कहते हैं यूं लगता था कि कहीं हमारे ऊपर गिरी ना पड़े। ये बात कोई बच्चा नहीं कह रहा, कोई मजनू और पागल और दीवाना आदमी नहीं कह रहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो कुरैश के सरदार और उनसे जीरे की इंसान कोई नहीं। और फिर आप सोचें रात कौन सी थी? बारहवीं रात।
ये जो 12, 13 और 14 की रात है ना, जब चांद अपने पूरे जौबन और अरूज पर होता है तो फिर उमूम सितारे तो नजर ही नहीं आते। और अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला ने फरमा रहे हैं कि लोगों, नजर ना आना तो बाद की बात है, सितारे इतने नीचे आ चुके थे, करीब आ चुके थे कि ऐसे लगता था कि कहीं हमारे ऊपर गिर ही ना पड़े। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस रात आसमानी सितारों को जमीन के करीब करके इस पूरी कायनात को बुकाए नूर बना दिया था। हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग थी, रोशनियां ही रोशनियां। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा वो बयान करती हैं कि जिस लम्हे मेरे लख्ते जिगर की विलादत हुई तो फरमाती हैं मुझसे एक ऐसा नूर खारिज हुआ कि जिसकी वजह से कायनात की हर शय इस कदर चमक उठी, इस कदर रोशन हो गई कि फरमाती हैं मैंने अपने बंद कमरे में बैठकर शाम के महल्लात को भी देख लिया। जरा देखो उस नूर का आलम क्या होगा कि हर शय ही चमक रही हो, हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग हो। हमने लाइटिंग क्या करनी है, कोई नया काम नहीं। कोई पूछे कि जुलूस क्यों निकालते हैं, मैं एक ईमान अफरोज बात इस पर भी बताता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, मदीना वालों को इतनी खबर थी कि आका ने मक्का से रवाना कब होना है, ये एक तयशुदा प्लानिंग थी। और उन्हें यह भी खबर थी कि अगर कोई मक्का से चले तो कितने दिनों में मदीना पहुँच जाता। मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकले तो आपने सीधा मदीना जाने की बजाय सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और पहले गारे सौर में तशरीफ ले। 3 दिन और 3 रातें वहां लग गए, लेट हो गए। उधर मदीना के लोग आपका इंतजार कर रहे थे, मोबाइल टेलीफोन तो निकले कोई नहीं थे कि फोन करके बता देते कि भाई हम लेट आ रहे। उधर मदीना वालों के इंतजार की शिद्दत का आलम यह था कि कहते हैं 3 दिन तक मदीना के लोग अपने घरों से नाश्ते करके निकल आते और मदीना के इर्द गिर्द जो टीले थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उन पर चढ़ जाते और कई खजूर के दरख्त के तनों पर चढ़कर आका की राह तकते थे कि आका की सवारी नजर आए। अब तो वो राह तकने का दौर ही खत्म हो गया ना, मोबाइल टेलीफोन निकल आए, जमाना बदल गया, कल्चर बदल गया। अब कोई राह नहीं तकता, घर बिस्तर पे लेट के फोन पे रब्ता करते हैं, जी लाहौर से चल पड़े कि नहीं, अब कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे। ये बड़े बुजुर्ग वो मेरी बात की तायीद करेंगे, जब ये टेलीफोन वगैरह नहीं निकले थे ना तो किसी का कोई खास मेहमान आना होता, किसी के बेटे ने आना होता, किसी के वालिद ने आना होता, किसी के पीर मुर्शिद ने आना होता, तो मेज़बान कई कई मरतबा घर से बाहर आकर मेहमान की राह तकते थे। ऐसे होता था या नहीं, तो ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाएं उन मदीना वालों के इंतज़ार का आलम क्या होगा जिनके मेहमान खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा बनने वाले। जब 3 दिन की ताखीर के बाद दूर से आका की सवारी आती हुई नजर आई तो शहर मदीना में एक धूम मच गई, शोर बपा हो गया, आका तशरीफ ले आए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या औरत, हर कोई अपने घर से बाहर निकल आया और मदीना के लोगों ने मदीना की बस्ती से बाहर आकर इकट्ठे होकर जुलूस की शक्ल में कमली वाले आका का इस्तकबाल किया। मदीना की बच्चियों ने घरों की छतों पर चढ़कर दफ बजा बजा के नाते पढ़ पढ़कर कमली वाले आका का इस्तकबाल किया। जब आका शहर मदीना में पहुंच गए अब कोई अर्ज करता है कि आका मेरे घर में तशरीफ ले आ, कोई रिक्वेस्ट करता है आका मेरे मेहमान बन जाए, कोई अर्ज करता है आका ये सआदत मुझे अदा कर दे, मेरे घर आ जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे भी नहीं, मेरी ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, ये खुद ब खुद जिस खुश नसीब के दरवाजे के सामने बैठेगी मैं मोहम्मद उसी का मेहमान बन जाऊँ। ये बात याद है ना, और मालूम है किन के घर के सामने ऊंटनी बैठी थी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी। क्या खुश नसीब से आदि थे वो आका। अब मैं जो बात कहने लगा हूं कि जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं 14 सदियां पहले का मदीना, जितनी कुल मस्जिद नबवी है ना, शहर मदीना इसके अंदर अंदर आ जाता था,
कच्चे मकान होंगे, तंग तंग गलियां होंगी। जब आका ने ये फरमाया होगा कि भी मैं उसी का मेहमान बनूंगा जिसके दरवाजे के सामने मेरी ऊँटनी बैठेगी, तो ज़रा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि मदीना की गलियों में आगे आगे आका की सवारी होगी तो क्या पीछे मदीना वालों का जुलूस होगा या नहीं होगा। भाई वो जुलूस ही तो था और क्या था, और मदीना के लोग चुप करके नहीं जा रहे थे, वो मदीना की गलियों में नारे लगाते हुए आका को लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे, और मदीना वालों का नारा था या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। ये नारे लगाते हुए वो आका को लेकर मदीना की गलियों से गुजरते जा रहे थे। जुलूस भी है, जुलूस भी आका की आमद का है, आका खुद भी उसमें मौजूद हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन आका मदीना में पहुंचे वो दिन भी पीर का था। कौन सा दिन था? पीर का दिन था, जो आका की विलादत बासादत का दिन है। कोई इसे आका की आमद का जुलूस कह ले, कोई आका की विलादत का जुलूस कह ले, इनकार कोई भी नहीं किया जा सकता। तो पता चला कि कोई काम भी नया नहीं। फिर के जहनों में ये जो सवाल आता है कि क्या आका ने खुद भी कभी अपना मीलाद बनाया था, और चूंकि मीलाद आका के दौर में नहीं था तो लिहाजा मीलाद नाजायज हो गया, ये बिदत हो गई। राजा जंग वालों ये बात तो मैं बाद में बताता हूं कि आका ने अपना मीलाद खुद बनाया या नहीं बनाया, मगर एक बात पहले गौर से समझ ले। अगर कोई शख्स ये बात कहे कि मीलाद नाजायज है इसलिए चूंकि आका के दौर में नहीं, अगर इस उसूल पर वो इसको निगेट करना चाहे और कहे कि जायज़ नहीं है, तो इतनी बात सुनकर समझ जाए कि इस बेचारे को दीन की अलिफ बे का भी पता नहीं है। ऐसी बात कोई जाहिल आदमी कर सकता है, आलिम नहीं कर सकता। वजह उसकी ये है कि अगर उसूल ये बना दिया जाए कि जायज़ सिर्फ वो है जो आका के दौर में, और जो आका के दौर में नहीं था वो सब कुछ नाजायज, तो याद रखें जिस दीन पर आज हम अमल करते हैं ना, कमोबेश इसका 80% हिस्सा वो दीन से खारिज करना पड़ेगा, पीछे बचेगा कुछ। मसलन के देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद आपने बनाई है, हर शहर के अंदर एक से बढ़कर एक मस्जिद, पक्की मस्जिदें, संगमरमर की टाइलें, ऊंचे ऊंचे मीनार, खूबसूरत गुंबद, दीवारों पर आयतें लिखी होती हैं, दुरूद पाक लिखा होता है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम लिखे होते हैं। मुझे बताएं जिस तरह की मस्जिदें आज हम बनाते हैं, हमारे आका के दौर में तो कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी, मस्जिद नबवी भी कच्ची होती थी। तो क्या माज अल्लाह इनको नाजायज और बिदत कह के शहीद करवा दिया जाए, क्या करेंगे आप? मैं इससे भी बड़ी बात बताता हूँ, जिस खूबसूरत शक्ल में कुरान आज हमारे हाथों, एक जिल्द के अंदर रंगीन प्रिंटिंग, मोटे मोटे हरूफ, नीचे तर्जमा भी लिखा होता है, साइड पे हाशिया भी होता है, जिस खूबसूरत शक्ल में कुरान आज हमारे हाथों में है, हमारे आका के दौर में इस शक्ल में कोई कुरान मौजूद नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी जाहिरी हयात मुबारक के अंदर इस कुरान को एक जगह पर जमा भी नहीं करवाया। ये तो जमा भी सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के दौर में, उस वक्त तो ये आयतें पत्थरों पे लिखी होती, खजूर की छाल पे लिखी होती, कुरान का कुछ हिस्सा किसी से सहाबी के घर होता, कुछ हिस्सा किसी से सहाबी के घर होता, हत्ता कि ये जो कुरान पर जेरे जबरे पेशे एराब लगे हुए, ये हमारे आका के दौर में कोई नहीं थे, ये सहाबा किराम के दौर में भी कोई नहीं थे, ये तो बाद में हज्जाज बिन यूसुफ हज्जाज बिन यूसुफ का जमाना जब आया तो उसके दौर में ये कुरान पर जेरे जबरे और पेशे लगे। उन लोगों की जरूरत इसलिए नहीं थी कि वो अरब लोग थे, अरबी उनकी जुबान थी, वो बगैर जेरों जबरों के भी कुरान को पढ़ लेते, उनको कोई दिक्कत पेश नहीं आती। देखिए ना, उर्दू हमारी जुबान है, कोई जेरे जबरे लगी होती हम पढ़ लेते हैं कि नहीं? मसलन अगर सीन और बे ये दो हरूफ मिला के लिखे हुए हो तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा? कोई इसको सिब पढ़ेगा, कोई सुब पढ़ेगा,
हमारी जुबान है, हमें पता है ये बनता ही सब है और बन कुछ नहीं सकता। इसी तरह अरबी उनकी जुबान थी, बगैर जीरो जबरों के पढ़ लेते थे। ये तो जब इस्लाम अरबों से निकलकर हम अजमियों तक दूर दूर तक पहुंचा तो तब ये खतरा पैदा हुआ कि जिनकी जुबान अरबी नहीं है अगर इस पर इराब ना लगाए तो लोग तो गलत पढ़ना शुरू कर देंगे, अपने अपने रंग में पढ़ेंगे, तो सारी उम्मत को एक तरीके पर एक किरात पर जमा रखने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने में इस कुरान पर इराब जेरे जबरे और पेशे लगे। तो मुझे बताएं एक काम आका के दौर में नहीं हुआ, सहाबा किराम के दौर में नहीं हुआ, बाद में जाकर हुआ, तो क्या माज़ अल्लाह उसे नाजायज और बिदत कह के खत्म कर दिया जाए? आप जरा ये इराब हटाकर दिखाएं, मैं देखूंगा कौन माई का लाल है जो कुरान पढ़ने के काबिल रह जाएगा। तो पता चला कि बुनियादी उसूल दुरुस्त, ये उसूल ही गलत है। मैं नौजवानों के लिए एक दिलचस्प बात कह रहा हूं, बात समझाने के लिए, लतीफा मैं नहीं सुनाने लगा, मैं बात समझाने के लिए आपको ये बात करने लगा। कई बार इस तरह की बात से जल्दी बात समझ में आती, आपके दोस्त होंगे आपसे सवाल करेंगे, क्लास फेलोज होंगे, उन्हें प्यार से बिठाकर बताएं भी देखें जितने आज के दौर में जरा आम तो रफ्ते मोटरसाइकिल आ गई, कारें आ गई, बसें आ गई, ट्रेनें आ गई, हवाई जहाज आ गए, मुझे बताएं इनमें से कोई सवारी भी हमारे आका के दौर में थी? कोई भी नहीं थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दराज गोश पर भी सवारी की। दराज गोश किसे कहते हैं? गधे को कहते हैं। और उस दौर में गधे पर सवारी करना कोई ऐब की बात? उस दौर की सवारी थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक गधा मुबारक था जो आपसे मोहब्बत करता था और हमसे भी ज्यादा समझदार था। इतना समझदार था कि कई बार जब कोई और बंदा मौजूद ना होता, मेरे आका ने किसी सहाबी को बुलाना होता तो उस गधे को भेज, वो सीधा उसी सहाबी के घर जाता जिधर आका ने भेजा होता, और वो सहाबी देखते ही समझ जाता है कि मेरे आका का कासिद आ गया है, यकीनन मुझे बुलाया जा रहा है। कभी कभी मेरे आका उस पर सवारी भी करते। तो जो आपका दोस्त ना माने वो कहे नहीं मिलाद नाजायज है, चूंकि आका के दौर में नहीं था, तो उसे कह भी अच्छा तो कल से मोटरसाइकिल की सवारी बंद, उन्हें गधे पे चढ़ा दें, बस राजा जंग का एक चक्कर लगवाए, उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे और समझ आ जाएगी कि मिलाद जायज है या नाजायज है। फिर भी ना माने तो थोड़ा रायमंड तक ले जाए, जल्दी समझ आ जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि यह बात कहना कि मिलाद नाजायज है क्योंकि आका के दौर में नहीं था, इससे बड़ी जहालत और कोई नहीं हो सकती। रह गई अगली बात कि आका ने आका के दौर में मिलाद था या नहीं। भाई दौर तो एक तरफ रहा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपना मिलाद मनाया, बस रंग अपना अपना था, ढंग अपना अपना था, तरीका अपना अपना था। मैं पहले बता चुका हूं कि अल्लाह ने किसी तरीके पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हम तो साल बाद मिलाद करते हैं ना, आका हर हफ्ते मिलाद करते हैं। हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं, अहले इल्म बैठे हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर वाले दिन रोजा रखते थे। सहाबा इकराम ने एक दिन पूछा कि आका आप हर पीर ही को रोजा क्यों रखते हैं? अब आका का जवाब सुनने वाला है। मेरे आका फरमाने लगे कि मेरे गुलामों इसलिए कि पीर वाले दिन में पैदा हुआ था अपनी विलादत के साथ। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए, एक मरतबा मेरे आका ने बकरे ज़िबा करके बाकायदा खाना बनवाया और अपनी विलादत की खुशी में मदीना वालों की दावत की और उनको जी भर के खाना खिलाया गया। आका ने जो भी खुशी की। कोई आपसे पूछे कि अच्छा आका ने तो रोजा रखा, उन्हें खाना खिलाया तो बैठ के नाते पढ़ना शुरू कर देते, ऐसा मिलाद कहाँ होता था? सुन ले एक बात इस पर भी कहते, वैसे तो वो किताब जो मैंने नाम लिया ना मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस किताब को पढ़े, हुजूर शेखुल इस्लाम ने फिर एक पूरा बाब बांधा है और कमोबेश कोई 42 के लगभग सहाबा किराम के नाम और उनके कलाम भी जमा कर दिए हैं,
जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारक के अंदर नाते लिखते भी थे और नाते पढ़ते भी थे। मैं उनमें से सिर्फ एक ईमान अफरोज बात बताता हूँ जिसको फिर दुनिया का कोई शख्स चैलेंज नहीं कर सकता। इतनी जुबान जदे आम बात, सहाबा किराम का इज्तिमा होता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जलवा अफरोज हो और बाकायदा मेंबर लगता। क्या होता? अब मुझे बताइए कि अगर एक दो बंदे बैठे हों तो मेंबर की जरूरत पड़ती है? मेंबर की जरूरत तब पड़ती है जब मजमा ज्यादा हो। मेंबर लगता, मेंबर लगने के बावजूद हमारे आका नीचे जलवा अफरोज हो। और हजरत हसान बिन साबित को हुक्म देते कि हसान आओ मेरे मेंबर पर चढ़ जाओ और मेंबर पर चढ़कर जरा मुझे मेरी नाते सुनाओ। उनको मेंबर पे चढ़ा देते और खुद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के एक दुआ भी करते। दुआ क्या करते? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते कि मौला हसान जब तक मेरी नात पढ़ रहा है तू जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को इनकी मदद के लिए इनके पीछे खड़ा कर दे। या का दुआ करते कुर्बान जाए हजरत हसान के मुकद्दर पर, फिर वो मेंबर पे चढ़ जाते, आका सामने जलवा अफरोज होते, वो आका के मुखड़े को तक भी रहे होते और आका ही से मुखातिब होकर नात क्या पढ़ते, अर्ज करते वह अहसन मिन कलम तरकत वही कि आका आप कैसा हसीन आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं, वह अजमल मिन कलम तले दिन निसाब और आका आप जैसा जमील आज तक किसी माँ ने जन्म नहीं, खुलेता मुबर्रा मेद कुल्ली यही में और अल्लाह ने हर हर ऐप से नक्श से आपको इस तरह पाक पैदा फरमाया है कान्ना का कान खुलेता कमा कशाऊ के लगता है कि अल्लाह ने आपको आपसे पूछ पूछ कर बनाया कि महबूब तुझे कैसा बना। आका के सामने नात पढ़ी जाती। राजा जंग वालों मुझे बताओ, जब सहाबाई किराम का इज्तिमा हो गया, आका खुद सदरे मजलिस बन गए, हजरत हसान ने मिंबर पर चढ़कर नाते पढ़ दिए, तो ये आका का मिलाद ना बना तो क्या बना? हम भी तो यूं ही बैठ के नाते पढ़ते, नया काम कौन सा करते? इसका मतलब कि हर चीज की असल उस दौर में मौजूद थी, कोई काम भी नया। आखिरी सवाल, उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डाल के, वो एक अलग पूरा सब्जेक्ट है, मैंने तो जस्ट थोड़ी थोड़ी बात आपको बताई है, जो पढ़ने का जौक रखे मैं बता रहा हूँ, 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है और मीलाद के हवाले से जहन में उठने वाले हर सवाल का जवाब बड़ा शाफी और काफी कुरान और हदीस की रोशनी में आपको एक ही जगह पर मिल जाए। वो किताब पढ़ने वाली है, नेट पे भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। आखिरी सवाल जिस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहा हूं, ये जो जहनों में सवाल आता है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन अगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है तो उसी दिन आपका विसाल मुबारक भी हो, मिलाद पर खुशी करते हैं तो विसाल पर गम क्यों नहीं करते? मैं बिल्कुल शॉर्टली इसका जवाब आपको दे रहा हूँ। खुशी तो इसलिए करते हैं कि खुशी करने का हुक्म खुदा ने दिया और ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब रह गई बात है आप विसाल मुबारक पर गम क्यों नहीं करते, तो याद रखो हम आका के विसाल मुबारक पर गम इसलिए नहीं करते कि हमारे आका आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं। क्या ख्याल है या नहीं? जो समझता है कि आका आज भी हैं, भला हाथ खड़ा करें। अल्लाह आपको इस अकीदे पर कायम रखे। हम अपने नबी के हम अपने नबी के हम जिंदा नबी के हम जिंदा नबी के हम जिंदा नबी के हुजूर शेखुल इस्लाम। तो मुझे बताइए कोई मौजूद भी हो, कोई मौजूद भी हो और कोई गम करता फिरे तो ये कोई अकलमंदी की बात भाई? गम वो करे जिनका रसूल चला गया। हमारे आका तो 14 सदियां पहले भी थे, आज भी है, क्यामत तक रहेंगे और क्यामत के बाद भी अगर किसी की नबूवत और रिसालत का ढंगा बजेगा तो वो मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत।
भाई गम कैसा? मैं बता रहा हूँ, ये कला का पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है जिस पर घंटों बात हो सकती है। मैं आपको फिर एक सादा सी बात बता रहा हूँ। देखिए, हम कलमा तैयब पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या माना है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और फिर कहते हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे कहते हैं या हैं कहते हैं? पक्की बात है जी, सोच लें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो भाई जब वो हैं तो फिर मानो ना कि वो आज भी हैं। तो जब वो हैं तो फिर गम कैसा? तो गम इसलिए नहीं करते कि हमारे आका आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं। आका अपनी शान नबूवत और रिसालत के साथ आज भी हमारे अंदर, आका अपनी शाने रहमत के साथ आज भी हमारे अंदर मौजूद है, आका अपनी शाने शिफात के साथ आज भी हमारे अंदर मौजूद है, आका अपनी शाने तवस्सुल के साथ आज भी हमारे अंदर मौजूद है। आपकी मौजूदगी की करोड़ों शुक्रिया। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म असली के साथ अपनी कब्र अनवर के अंदर इस शान के साथ जिंदा और हयात है कि आका वहां रहकर भी पूरी कायनात का मुशाहदा फरमा रहे हैं, और आका जब चाहे, जहां चाहे, किस पर चाहे, जितना चाहे और जिस हाल में चाहे, आका आज भी कर्म फरमा रहे हैं। तो हम कैसा? एक जगह पर यही बात मैंने की तो एक बंदे ने सवाल कर दिया। वो कहते हैं अच्छा लामा साहब, अब इतना जोर दे के कह रहे हैं कि आका मौजूद हैं तो फिर वो नजर क्यों नहीं आते? नजर भी तो आना चाहिए। तो राजा जंग वालों याद रखो, किसी का नजर ना आना ये उसके ना होने की दलील नहीं। भाई कसूर देखने वाले की नजर का भी हो सकता है क्या नहीं? देखिए ना, इस कायनात में करोड़ों हकीकतें ऐसी हैं जो हमें नजर नहीं आती मगर हम उन्हें मानते हैं या नहीं मानते? क्योंकि हमारी आंख की देखने की एक हद है। कई चीज़ें इतनी छोटी हैं कि हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, और अगर आंख के आगे खुर्दबीन लगा लें, माइक्रोस्कोप, तो वो छोटी चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही है ना? और कई चीज़ें इतनी दूर हैं कि वो भी हमें आंख से नज़र नहीं आती, लेकिन अगर दूरबीन लगा लें, टेलीस्कोप लगा ली जाए, तो वो दूर वाली चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो पता चला कि नज़र ना आना ये किसी के ना होने की दलील। मैं दिलचस्प बात बताता हूँ। देखो ना, ईद का चांद है, कितनों को नजर आता है? सिवाय मुफ्ती साहब के किसी को नजर ही नहीं आता, और आजकल तो रात 11 बजे भी नजर आ जाता। देखते वो हैं, मानते हम सारे ही, हमें नजर भी कोई नहीं आता, नहीं आता ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी का नजर ना आना ये उसके ना होने की दलील। खुदा नजर आता है? खुदा है या नहीं? बात है, नजर भी नहीं आता मगर मानते हैं कि खुदा है। इसका मतलब कि नजर ना आना ये ना होने की दलील नहीं है, ये कसूर देखने वाले की नजर का भी हो सकता है, आंख में इतनी ताकत नहीं। ये बड़े लोग मेरी बात की तायद करेंगे, एक दौर होता था जिसमें रेडियो होते थे। रेडियो का एक बटन होता था जिसे घुमाते थे, फिर सुई मूव करती थी, एक स्क्रीन सी बनी होती थी जिसपे नंबर लगे होते थे। वो सुई जब आगे पीछे होती तो कभी लाहौर का स्टेशन चलता है, कभी कराची चल पड़ता है, कभी मुल्तान चलता है, कभी इस्लामाबाद चलता है। ऐसे होता था या नहीं? फिर टीवी निकल आए, टीवी के चैनल होते थे घुमाने वाले, चैनल घुमाते स्टेशन बदलते चले जाते। वो जो रेडियो होता था, आप ज़रा सोचें कि अगर रेडियो की सुई स्टेशन से थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाए तो नशरियात आती थी जी, वो आवाज़ ही बदल जाती थी या शां शां को शुरू हो जाती थी, होता था ना ऐसा? इसका मतलब कि अगर स्टेशन पे सुई सेट ना हो तो नशरियात नहीं आती। तो मुझे बताएं, जिसकी सुई हिली हुई हो, मैं रेडियो की सुई की बात कर रहा हूँ, जिसका चैनल ख़राब हो, वो बाहर निकल के शोर मचाना शुरू कर दे कि पीछे से ही सब कुछ बंद हो गया है, अरे नादा सुई तो तेरी अपनी हिली हुई, चैनल तो तेरा अपना गड़बड़ है, पीछे से कुछ भी बंद नहीं हुआ। कहना ये चाह रहा हूं कि नादान इंसान, आ अपने मन की सुई
सिर्फ आवाज नहीं साथ तस्वीर भी है। सुइयां हमारी अपनी हिली हुई है, चैनल हमारे अपने खराब हैं और कहते हैं नजर कुछ नहीं आता। नजर कैसी आए? उनसे पूछो जिनके चैनल सेट थे, जिनकी सुइयां मदीना के स्टेशन पे लगी हुई थी, मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला ने, जिनके चैनल के सेट होने का आलम यह था। कहते हैं सगत रा काश जामी नाम बूदे के आमद पर जुबानत गाहे गाहे। कहते हैं आका काश आपके कुत्ते का नाम जामी होता, आप जामी जामी कह के अपने कुत्ते को बुलाते, इसी बहाने मेरा नाम भी आपकी जुबान पे आ जाता। जब चैनल इस तरह सेट थे तो नशरियात के आने का आलम यह था कि वही मौलाना जामी कहते हैं कि लोगों मैंने अपनी जिंदगी में खान में नहीं जानते हुए 72 मर्तबा कबरी वाले आका की ज़ियारत। पूछिए अबू अल अब्बास मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, फरमाते हैं 40 साल से यह हाल हो चुका है कि अगर एक लम्हे के लिए भी आका का वद हुआ मुखड़ा नजरों से ओझल हो जाए उस लम्हे खुद को मुसलमान ही नहीं समझता। हर वक्त हुजूरी में रहने वाले लोग, बस फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि 14 सदियां पहले जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर जलवा अफरोज थे, अबू लहब व अबू जहल आते वो भी आका को तक, अबू बकर उमर उस्मान वली आते वो भी आका को तक। पैदा कर जाने से फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि आज अगर कोई अबू लहब व अबू जहल की आंख लेकर आए तो आका नजर नहीं आते, मगर कोई अबू बकर उमर उस्मान वली की इश्क वाली आंख लेकर आए तो आका आज भी पैदा उठा पाए आलम बेदारी में वतुहा मुखड़े का दीदार अदा। जरूरत है कि हम अपने चैनल सेट करें, अपनी सुइयों को मदीना के स्टेशन पे लगाएं। तो मैं आज ये कर रहा था कि हम गम इसलिए नहीं करते कि हमारे आका आज भी हमारे अंदर मौजूद हैं। ये वजह है कि हमारे यहाँ गम नहीं है, हमारे यहाँ खुशियां ही खुशियां हैं। इसलिए आका का मिलाद हम दिल खोल कर मनाते हैं और आका का मिलाद वही करता है जिसके दिल में आका की मोहब्बत और इश्क होता है। बगैर मोहब्बत के कोई किसी का मिलाद नहीं करता। यहाँ तक तो बात हो गई मिलाद की, इस पर मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाता, मगर आगे चंद मिनट सिर्फ मुख्तसर लेना चाह रहा हूँ, मगर बड़ी ख़ास बात है। हाज़रीन मुकर्रम, जिस मिलाद पर कमोबेश मैंने को 1.5 घंटा तकरीर कर डाली, बड़े मुख्तसर वक्त के अंदर, यानी इतनी बातें ये हमारी हो गई हैं कि इतना वक्त फिर भी लग गया है। आपने कभी सोचा है कि जिस आका की आमद पर हम इतने जश्न करते हैं, खुशियां करते हैं, तो 12 रबीउल अव्वल की सुबह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को लिबादा बशरी में भेजा क्यों? ये बड़ी ख़ास बात है। अब जो कमी है हमारे अंदर मैं वो बताना चाह रहा हूँ। कमा हको अल्लाह ने किस मकसद के लिए अपने महबूब को लिबादाए बशरी में भेजा, ये या खुदा जानता है या उसका रसूल जानता है, किसी इंसान की अकल में आने वाली बातें। मगर एक बात जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो समझ में आने वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबादाए बशरी में सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में इसलिए भेजा ताकि इस उम्मत को उस नबी की सीरत मिले। क्या मिले? उस नबी की। अगर आका लिबादाए बशरी में तशरीफ ना लाते, जहां थे वहीं उस हाल में रहते, तो हम बशरों को कोई जिंदगी गुजारने का रंग ढंग मुयसर ना आता। हमें जिंदगी गुजारने का सलीका आता करने के लिए कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, अल्लाह के हुकूक कैसे अदा करने हैं, बंदों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, वालिदैन के साथ कैसे पेश आना है, बीवी बच्चों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, पड़ोसियों के हुकूक कैसे अदा करने हैं, ये सारा कुछ सिखाने के लिए अलगरज जीना कैसे है, मरना कैसे है, ये सब कुछ सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिबादाए बशरी में 12 रबीउल अव्वल की सुबह अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और भेजकर ऐलान किया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। फरमाया मोमिनों
मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने तुम्हें अपना महबूब ही अदा कर दिया। अब और करें, जो मामूली बात नहीं है। अल्लाह ने हमें करोड़ा नेमतें अदा करी, मगर आज तक कभी उसने किसी नेमत का एहसान नहीं जतलाया, और एहसान जतलाना उसे जेब भी नहीं देता। वो हमारा खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है। अगर वो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसने खुद अपने ज़िम्मे ले रखा। इसलिए ना वो एहसान जतलाता है, ना उसे जेब देता है। मगर वाहिद कायनात में एक नेमत ऐसी है कि जिसे अदा करके वो खुदा होकर भी बंदों को एहसान जतलाए बगैर नहीं रह सकता। और वो एक ही नेमत कौन सी है? वो नेमत मोहम्मद मुस्तफा की नेमत है। फरमाया, मोमिनों, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुम्हें अपना महबूब अदा कर। हालांकि महबूब कोई किसी को देता है, और दिया इसलिए ताकि हम बशरों को जिंदगी गुजारने का रंग ढंग मुयसर आए। और आका की उसी सीरत तैयबा को अल्लाह ने हमारा दीन बना दिया। मगर हम मीलाद मनाने वाले क्या करते हैं? माजरत के साथ, अच्छे लोग जो हैं वो हैं, इस्तिस्ना मौजूद होता है। अक्सर बेशतर हमारा हाल ये है कि हम आका की आमद पर गलियां सजा देते हैं, बाजार सजा देते हैं, लाइटिंग कर लेते हैं, मीलाद के जलसे निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, लाइटिंग करते हैं, सब कुछ हो गया। मगर जिस मकसद के लिए आका आए, ना उस दीन को समझने की कोशिश करते हैं, ना समझ कर अमल करने की कोशिश करते हैं, ना आका की सीरत तैयबा में खुद को रंगने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि हम में से ऐसे लोग भी हैं कि हम सारी सारी रात नाते पढ़ते हैं और सुबह उठ के फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़ता? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मुझे बताएं, जिस शख्स ने सारी रात नाते पढ़ी और सुबह उठकर फजर की नमाज भी तर्क कर दी, तो क्या अल्लाह उसे नहीं पूछेगा कि नमाज पढ़ी है या नहीं? माफ़ी मिलेगी कि भाई चूंकि सारी रात इसने मेरे यार की नातें पढ़ी हैं, तो इससे क्या पूछना नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अगर किसी ने ऐसी बात बता रखी है तो गलत बताइए, पूछा जाएगा, नमाज का हिसाब लेना पड़ेगा। देखिए ना, नमाजें हम कोई ना पढ़े, ज़कात हम कोई ना दें, रोज़े रखने की फ़िक्र हमें कोई ना हो, हज की फ़िक्र हमें कोई ना हो, वालिदैन का अदब हम ना करें, बीवी बच्चों के हुकूक हम अदा ना करें, पड़ोसी हमसे तंग हों, झूठ बोलें, धोखा करें, फ्रॉड करें, और साल के बाद मीलाद का एक जलसा करके समझे बस बेड़ा ही पार, ये बहुत बड़ा मुगालता है। इस मुगालते को दूर करने की ज़रूरत है। मीलाद हरगिज इसकी इजाज़त नहीं देता कि अब नमाजों की ज़रूरत कोई नहीं है, आका की सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है। जितना मीलाद हम मनाते हैं ना, याद रखें ये मीलाद अधूरा है, ये मीलाद पूरा नहीं है। मीलाद पूरा तब होगा कि आका की आमद की खुशियां भी करें, जश्न भी मनाएं, और आका की आमद के नतीजे में जो आपकी सीरत तैयबा में जो आका दीन इस्लाम लेकर आए, उस दीन पर अमल करके अपनी दुनिया को भी संवारे और अपनी आखिरत को भी संवारे। आज हम इस दीन से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। मैं सादा सी एक ही बात बताता हूँ, इससे बढ़कर रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात और क्या होगी? हम सब ने कलिमा पढ़ा है, आका का दीन कबूल किया है, और जिस दीन को हमने कबूल किया है, अल्लाह ने आसमानों से एक दीन, इस दीन के लिए एक ही किताब नाजिल की है जिसे कुरान कहते हैं। मगर हम कलिमा पढ़ने वाले ज़रा अपने गरीबानों में झांक कर देखें, बहसियत उम्मत जायजा लें कि हम में से कितने हैं जिनको सही ढंग के साथ वो किताब पढ़ना आती। हम मीलाद मना लेते हैं मगर उस किताब को पढ़ना कोई नहीं सीखता। वो चंद सूरतें जो हर रोज नमाज में तिलावत करना होती हैं, हमें वो भी सही तलफ्फुज़ के साथ कोई नहीं आता। और फिर सोचें, जिनको ये किताब पढ़ना आती है उनमें से वो कितने हैं कि जो पढ़े उनको समझ भी आती है कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जरा सोचें कि वो किताब जो हमें पढ़ना कोई नहीं आती, जिसकी हमें समझ कोई नहीं कि इसमें लिखा हुआ क्या है, तो मुझे बताएं उस पर अमल हम खाक करेंगे, क्या अमल करना है? हम तो इमाम और खतीब की बताई हुई चंद बातों को पल्ले बांध के, वो जिसे कहते हैं ना ढंग टपाओ, बस जिंदगी के दिहाड़े पूरे कर रहे हैं। इससे बढ़कर दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। रबीउल अव्वल आया,
मीलाद का जलसा किया, फिर उसके बाद रसूल अपने घर आ अपने घर। ये क्या मीलाद हुआ? अगर मीलाद का हक अदा करना है, आका की आमद के जश्न मनानी, ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मीलाद मनाने वालों में हमें पैदा कर दिया। इससे बड़ी सआदत की बात कोई नहीं। मैंने 1.5 घंटा इसी पर गुफ्तगू की। अब थोड़ी सी जरूरत इस बात की है कि इस मीलाद के नतीजे में जो आका की सीरत तैयबा मिली, हम में से हर शख्स उस सीरत तैयबा के रंग में खुद को रंग कर कम अज कम इतना तो समझ आए कि जो देखे बेसाख्ता उसकी दुआ से निकले कि जिस नबी के गुलाम इतने अच्छे हैं वो नबी खुद कितनी शान वाला हो। फिर मजा है मीलाद बनाने का। बादामालियां हम करें और हर फाका की नामूस पर आए और फिर मीलाद करके समझे पेड़ा ही मार, तो भाई ये बहुत बड़ा मुगलता है। इस सदी के अंदर मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी नगर नगर गली गली ऊंचा ऊंचा ये पैगाम आम करते कर रहे हैं कि लोगों कामयाबी के लिए दो बुनियादी चीजें जरूरी हैं। आप कुरान पढ़ेंगे ना, हर जगह ये काम अल्फाज आपके कानों में गूंजेंगे, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। दो चीजें हैं, एक ईमान और ईमान के साथ आमाले सालिहा। ईमान कमली वाले आका का मोहब्बत इश्क और अदब में फना हो जाने का नाम है, और आमाले सालिहा उसी नबी मुकर्रम की सीरत तैयबा पर अमल करने का नाम है। जब तक ये दोनों निस्बतें नहीं मिलती तब तक सही मानों में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज ये मीलाद का जलसा किया है, आका के मीलाद का महीना है, तो कम अज कम हम मीलाद बनाने वाले इतना आज़म तो करके उठें कि 5 वक्त की नमाज को अपना जरूर मामूल बनाएं। वो नमाज जो हमारे आका आका की आंखों की ठंडक है, जो मोमिनों के मीराज है, वो नमाज तो पढ़ें। अल्लाह ने माल दिया है तो उसकी ज़कात अदा करें, रमज़ान आ जाए तो रोज़े ज़रूर रखें, अल्लाह ने तौफीक दी है तो बैतुल्लाह का हज भी करें, अपने वालिदैन का अदब करें, छोटों से प्यार करें, बड़ों का अदब करें, पड़ोसियों का हक अदा करें। भाई देखें ना, आका तो वो हैं जिनको अल्लाह ने सब जहानों के लिए सरापा रहमत बना कर भेजा, तो कोई रंग तो हमारे ऊपर भी चढ़ना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए। वो बदलने का वक्त कब आएगा? कभी तो वो मरहला आना चाहिए कि जब बुराई की तरफ उठते हुए कदम रुक जाए और नेकी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। फिर कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बनाएं, हाय हो सुबह सवेरे उठे फजर की नमाज अदा करें, पहला काम कुरान पाक की तिलावत होना चाहिए। और फिर तिलावत ही ना करें फिर खास 2 आयतें पढ़ें मगर तर्जमे के साथ पढ़ें, समझें इस कुरान में अल्लाह ने लिखा क्या है। जिंदगियां बीत गई पता ही ना चला कुरान में लिखा क्या है, तो फिर क्या खोया और क्या पाया? जिंदगी जाए कर, कायनात में इससे बड़ी किताब है ही कोई? हम उसे पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं। आप थोड़े थोड़े कदम बढ़ाएंगे तो मैं बता रहा हूं मुश्किल कुछ नहीं है। आप एक कदम बढ़ाएंगे नेकी की तरफ, अल्लाह हजार हजार कदमों की बरकत डालता चला जाए, अल्लाह आसानियां पैदा करता चला जाए, आपकी जिंदगी में हुसन आएगा, नज़्म आएगा, कोई खराबी नहीं होगी, बाकी मामला कम नहीं होंगे। जिनको हमने सब कुछ समझ रखा है ना, आप आका के दीन पर अमल करें, अल्लाह दुनिया के अंदर भी आपको इतनी बरकतें अता करेगा जो आपसे संभाली नहीं जाएंगी। हमारे ईमान कमजोर हैं, अकीदे कमजोर हैं, अल्लाह की और उसके रसूल की बातों पर हमें यकीन नहीं रहा। ताहम मैं आज ये कर रहा था कि ये सारी बातें सीखने की तरफ आगे बढ़े। मुझे आपने क्या सुनना, मैं तो एक नालायक सा शख्स हूं, हुजूर शेखुल इस्लाम के शागिर्दों के जूतों में बैठने के काबिल नहीं। कभी सुनना हो तो उस वक्त के मुजद्दिद को बराह रास्त सुने, ताहिरुल कादरी जैसे लोग रोज रोज पैदा, सदियों बाद ऐसे लोग पैदा हुए, और आज उनको सुनना कोई मुश्किल नहीं। हर शख्स के हाथ में मोबाइल टेलीफोन है, इसमें लफ्ज़ और बेहूदा चीजें देखकर भी तो हम वक्त ज़ाया करते हैं ना। आप आ जाइएगा यूट्यूब खोलें और उसमें सिर्फ लिखें डॉक्टर ताहिरुल कादरी, हुज़ूर शेखुल इस्लाम के इतने खिताबात आपके सामने खुल जाएंगे कि मैं दावे से कहता हूं कि कोई शख्स आज से हर रोज उनका नया किताब सुनना शुरू करे करे, बंदे की जिंदगी खत्म हो सकती है, उस बंदे के अंदर के खिताबात खत्म नहीं हो सकते। इतना कुछ दे दिया,
फिर उन खिताबात के अंदर कोई चुटकुले नहीं होंगे, कोई लतीफ़े नहीं होंगे, कोई दौड़े माये नहीं होंगे, या कुरान की बात होगी या रसूल के फरमान की बात होगी। आपको समझ आएगी दीन क्या है, मीलाद क्या है, खुदा की बंदगी किसे कहते हैं, रसूल की गुलामी किसे कहते हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं, दीन हमसे तकाजा क्या करता है। मैं बता रहा हूँ हज़ारहा मौजूआत मिलेंगे, जिस मौजू पर सुनना चाहे वही मौजू आगे लिखे, उसी मौजू पर खिताब निकल आएगा। कुछ सीखना चाहिए, दीन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और अभी हुजूर शेखुल इस्लाम ने जो एक 12 रबीउल अव्वल की रात खुशखबरी उम्मत को सुनाई है, आपके कानों तक पहुंची होगी। पहले उन्होंने कुरान पाक का तर्जमा लिखा इरफानुल कुरान के नाम से। मैंने कहा ना तर्जमे से पढ़ा करें, आप इरफानुल कुरान रख लें, इतना सलीस, इतना बामुहावरा, इतना सादा जुबान में लिखा हुआ है कि खाली तर्जमा पढ़े कुरान का मफहूम आपके दिल में उतरता चला। फिर आका की मोहब्बत और इश्क में डूबकर लिखा हुआ तर्जमा है, आप वो तर्जमा पढ़ेंगे, आका की मोहब्बत के चिराग सीनों में रोशन होते चले जाएंगे। और अभी 12 रबीउल अव्वल की रात आपने उम्मत को ये तोहफा दिया है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हुआ और आपने 28 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान की तफसीर का काम भी मुकम्मल कर दिया है। ये वो काम है जो क़यामत तक उम्मत के काम आएगा। 1200 से ज़्यादा किताबें हैं, अभी 8 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरानी इंसाइक्लोपीडिया और कमो बेश को 45 जिल्दों पर मुश्तमिल हदीस का इंसाइक्लोपीडिया आ रहा। थोड़ा दीन से ताल्लुक पैदा करें, पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें, फिर देखें बरकतें ही बरकतें हो जाएंगी, जिंदगी गुजारने का मजा ही फिर कुछ और। मैं इन चंद कलिमात के साथ, इस तवक्को के साथ कि मेरी ये बातें आप जाहिर नहीं करेंगे, जो कुछ मैंने कहा है इसको अपने जहनों में महफूज करेंगे और इसके मुताबिक कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएं, तब्दीली लाएं। मैं बारे दीगर जुमला मुंतज़मीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह आपकी कावश को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा समझकर ईमान लाते हुए आका की सच्ची और सुची गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर आका के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करें।